हेलो, जैसा कि देख सकते हैं मैं रंजन, हम सेक्टर 18 से सलारपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ये जो हमें बोटनिकल गार्डन मेट्रो से क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। हम ऑटो सफ़र कर रहे हैं और ये शाम का समय है और अभी का टाइम जो है शाम को 6:36 हो रहा है और हम चार लोग अपने दोस्त के साथ में आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए अट्टा में, जो सेक्टर 18 मेट्रो के नाम से फेमस है। और यहाँ से निकलते हुए ही हमने इसको वीडियो बनाया और मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ का रूट दिखा दूँ, यहाँ से रूट कैसे जा रहा है। वहाँ से बिल्कुल सीधा ये दादरी के नाम से रोड फेमस है, यहाँ से बोटल का गार्डन के आगे पास करते ही एक ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए, बाईपास को क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ी का स्पीड लिमिट कम से कम 60 का होता है, जो कि 60 से कम की गाड़ी नहीं चलती है। आप देख रहे हैं यहाँ के ऑटो का भी स्पीड जो है 60 का स्पीड है, इससे कम में यहाँ का चलना मतलब बहुत ही समस्या है। होटल का गार्डन को मार्केट क्रॉस करते हुए हम दादरी मेन रोड की तरफ आगे बढ़ते हुए सफ़र कर रहे हैं और अभी शाम का समय है। शाम को जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6:30 और देख सकते हैं कि कई लोगों का ऑटो पे सफ़र कर रहे हैं और देख सकते हैं कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है। और ये जो दिख रहा है भंगेल नवेड़ा का ग्रेटर नवेड़ा रोड दिख रहा है, ये दादरी मेन रोड की रोड जा रही है और ये क्या मस्त लाइट दिख रहा है इस रोड पर। ऐसा किसी और गाँव में नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस तरह का नज़ारा तो आपको शहर में ही देखने को मिलता है कि शहर का एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सफ़र को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही हम अपने स्थान सलारपुर चौकी के पास पहुंचते हैं वहां का वीडियो में हम आपको कुछ आगे की बात बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप इस वीडियो में बने रहें और आगे की ओर इस रोड को देखते जाएँ कि कैसे कैसे सलारपुर पुलिस चौकी तक ये रोड आगे की ओर जाती है। हालांकि बीच बीच में जैसे जैसे जो जो भी मेन पॉइंट दिखता रहेगा मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम पहुंचने वाले हैं सेक्टर 40 की तरफ, जो कि यहां से आगे बस पेट्रोल पंप दिख रहा है और यहां से आगे की ओर यू टर्न है। हम यहां से यू टर्न लेंगे और यू टर्न से फिर हम लेकर के फिर लेफ्ट टर्न में जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आपको यू टर्न दिखाएगा, यहाँ से आगे बस जस्ट यहाँ से 10 मीटर की ओर आगे यू टर्न है, इस यू टर्न से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ से यू टर्न है, काफी भीड़ लगी हुई यहाँ पे गाड़ी की, हमने यू टर्न को ले लिया। अब यहाँ से जैसे ही आगे 50 मीटर की ओर आगे बढ़ेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न होगा। देख सकते हैं गाड़ी हमारी कितनी रफ्तार में चल रही है, काफी यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। वैसे भी कहा गया है कि दिल्ली में काफी ठंड होती है। देख सकते हैं इस अंधेरी रात में कितनी अच्छी मानव द्वारा बनाया गया रोड लाइट, उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, कितना ही प्यारा और खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हुए सेक्टर 45 के रेड लाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक लगी हुई है। हम अभी रेड लाइट से तकरीबन 100 मीटर पीछे हैं, जैसे ही रेड लाइट क्रॉस करता है मैं आपको सेक्टर 45 का रेड लाइट का वीडियो बनाते हुए क्रॉस करूँगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक रामलीला मैदान मिलेगा जो सेक्टर 45 में है, जो सेक्टर 45 में, और इसके साथ साथ में ही यहाँ पे रामनवमी के दिन में बहुत ही अच्छा एक त्यौहार होता है जिसको रावण को जलाया जाता है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में कितनी सारी भीड़ लगी हुई गाड़ी की, रेड आगे की ओर गाड़ी बढ़ते जा रही है, हम रेड लाइट से क्रॉस कर रहे हैं, इंडिकेटर ने आगे की ओर इंडिकेट कर दिया है, हमारी गाड़ी आगे की ओर प्रस्थान कर रही है और इसी के साथ में हम रेड लाइट के पास पहुँच गए हैं सेक्टर 45 रेड लाइट। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेते ही आपका आगे की ओर जब देखते हैं तो राइट साइड में यहाँ से ही रामलीला मैदान स्टार्ट होता है। अभी रात्रि का समय है इसलिए आप सभी को ग्राउंड नहीं दिख रहा है, मे बी कि आप सभी को ग्राउंड दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे की ओर मैं इशारा करता जा रहा हूँ उंगली से, यही आगे की ओर रामलीला मैदान है। यहाँ पर रामनवमी के दिन बहुत ही खचाखच भीड़ की तरह रामनवमी का प्रोग्राम होता है और यहाँ पर रावण का पुतला जलाया जाता है, काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ से गेट है, गेट से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे सेक्टर
एक और एक आगे रेड लाइट आएगा, जो कि रेड लाइट का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा सेक्टर में पड़ता है। सेक्टर 46 ऑब्वियसली कि 45 के बाद 46 सेक्टर होगा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 45 के बाद 46 ही सेक्टर होता है। हर एरिया अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या सेक्टर को अलॉट किया गया है। तो अभी हमने जस्ट अभी देखा कि पीछे के साइड में सेक्टर 45 रेड लाइट को क्रॉस की और आगे की ओर हम सेक्टर 46 रेड लाइट के पास पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हैं, तो 1 किलोमीटर हम 60 के स्पीड में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे की ओर, अब तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा कि कार जो आगे निकल गई, कार का क्या यूनिक नंबर था, कार का नंबर था लास्ट का 4000। आप अगर बड़े शहर में रहते हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ें, आपको अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है। बस हम अगले रेड लाइट की तरफ आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। यहाँ भी एक रेड लाइट पे अभी जाम लगी हुई है, ट्रैफिक लगा हुआ है। रेड लाइट यहाँ से इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ से मगला ये आपका रहा सेक्टर 46 का रेड लाइट, यहाँ से हम राइट कट लेंगे। राइट कट लेते हुए ही अपने सलारपुर विलेज में प्रवेश करेंगे, पर अभी प्रवेश करने से पहले अभी मुझे देख सकते हैं कि आप यहाँ से कितने रेड लाइट की जाम लगी हुई है, मेरी भी चेहरा दिख सकता है। आप देख सकते हैं पीछे से भी कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। रेड लाइट क्रॉस रोड बढ़ते हैं, अब आगे हम पहुँचते हैं सेक्टर 100। आगे हम सेक्टर 100 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे सेक्टर 104 की रेड लाइट मिलता है, उससे पहले भी एक रेड लाइट मिलता है। इस रेड लाइट के बाद हम 107 की रेड लाइट पड़ेगा। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हैं कि कितनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है। बाइक वाला तो ऐसा लेके जा रहा है, लग रहा है इसने धूम मचा दिया। धूम 3 की तरफ बाइक उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और हम इसके पीछे ऑटो से पीछा करते हुए आ रहे हैं। लग रहा है कि वो चोर पुलिस का खेल हो रहा है, लेकिन हम चोर पुलिस का खेल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हम चोर पुलिस हैं नहीं, हम एक ड्राइवर साहब का सवारी हैं। हम अपने घर पर जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि मैं सेक्टर 18 में अट्टा में मार्केट करने शॉपिंग करने के लिए गया था, और बीच में ऑटो आ गया, तो उसको देख करके मेरे मन में ख्याल आया कि मैं चोर और पुलिस का खेल का ऐड करते हुए मैं आपको बताऊँ। देख सकते हैं एक और चोर पुलिस का खेल होता हुआ आगे की ओर धूम मचाए हुए भागे जा रहे हैं। ये आ गया सेक्टर 100, सेक्टर 100 का बिल्डिंग है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये करते हुए देख सकते हैं आप क्या बात है, आगे की ओर एकदम काफी एकदम रफ्तार से गाड़ी जा रही है, और कितना रोड नीट एंड क्लीन, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना मस्त है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा आगे की ओर, बस हम जस्ट अगला ही 107 नंबर रेड लाइट पर प्रस्थान करने वाले हैं। 107 के बाद हमारा जो रेड लाइट अगला होगा, इसी समय जो है 104 हाजीपुर का रेड लाइट पड़ेगा। यहाँ का जो है सेंचुरी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, सेक्टर 100 में स्थित है। इसका सेंटर 100 सेक्टर 100 का जो है सेंचुरी अपार्टमेंट के नाम से फेमस है। बस हम कुछ ही समय में अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचने वाले हैं, पर अभी भी मुझे लगता है कि हमारा जो पहुँचने का समय है कम से कम 5 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। पर अगर हमें रेड लाइट पर अगर ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है, तो हम अपने टाइम पर ही अपने समय पर अपने स्थान रूप से परिवर्तन कर जाएंगे। इसी के साथ में देख सकते हैं आप हमारे उस आगे आने वाली जो हमारे काफ़ी छोटा बिल्डिंग दिख रही थी, कितनी ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, क्या नज़ारा है। ऐसे तो आपको गांव में देखने को मिलेगा नहीं, पर आप हमारी वीडियो को अगर गांव से लेकर शहर तक देख रहे हैं, तो मैं तो एक बार चाहता हूं कि आप भी आकर के यहां भी आपका सेक्टर 107 का जो है रेड लाइट में काफ़ी हैवी ट्रैफिक लगी हुई है। तो हम वेट करते हैं, हमारा इंडिकेट कर दिया है कि हम आगे की ओर प्रस्थान करें, और इसके साथ साथ में ही हर कोई एक जो है दूसरे को पीछे से आगे की ओर बढ़ता हुआ निकलता जा रहा है। और यहाँ पर रेड लाइट को क्रॉस करते हुए हमारे राइट साइड से जो ट्रैफिक है वो रोक रखे हैं गाड़ी को, और हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं अपने ट्रैफिक को रेड लाइट निकालते हुए, जैसा कि हमारे ड्राइवर साहब आगे गाड़ी को निकालते जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे पहुँचने के बाद हमारा सेक्टर 104 का रेड लाइट पड़ता है, और इधर से हमारा जो है सेक्टर 300 लोटस पड़ता है, जो कि एक अपार्टमेंट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं लोटस 300 है, जो कि नोएडा सेक्टर आज 107 लोटस के नाम से फेमस है। सेक्टर लोटस 300 भी है। और यहाँ से आगे की ओर पड़ते हैं, आगे का हाजीपुर रेड लाइट पड़ता है। यहाँ से हम अपना लेफ्ट कट में लेंगे, और यहाँ से हम लेफ्ट को पास करते हुए पहुँचेंगे। बस कुछ ही समय में हम अपने प्रस्थान करते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। यहाँ से हम रेड लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, हाजीपुर का रेड लाइट है। बट यहाँ से हमें आगे की ओर नहीं जाना, यहाँ से हमें लेफ्ट कट लेना है, और यहाँ से लेफ्ट चलते ही अपना कट लेते हैं।
यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि सागर रत्न का नाम से रेस्टोरेंट है। यहाँ तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप चाहें तो हाजीपुर इनलाइट के पास में सागर रत्न गोल्ड स्माइल गोल्ड स्टीम के नाम से फेमस है। बहुत सारे मार्केट हैं यहाँ पे आगे हाजीपुर का गाँव को क्रॉस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इधर की ओर काफ़ी ही बेहतरीन अच्छा आ रहा है देखने में, नज़ारा अच्छा लग रहा है। काफ़ी ठंड भी है तो ठंड की वजह से हमारा जुबान भी लड़खड़ा रहा है बोलने के लिए, बोलना है मुझे क्या तो बोल रहे हैं क्या, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी ठंड है, कान में मुफलर नहीं है, टोपी नहीं है, तो थोड़ा सा ठंड तो लगेगी। और तो पहले तो हवा तो काफ़ी तेज बह रही है, तो हवा तो लेगी। यहाँ से लेफ्ट कट घूम लेते हैं और यहाँ से जस्ट आगे देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको ही जस्ट कॉर्नर के साइड में एक राइट दुकान जो महर्षि आश्रम के क्रॉस करते हैं, यहाँ से लेफ्ट कट लेते हैं और आगे आते ही यू टर्न आता है, पर हमें यू टर्न से यू टर्न नहीं लेना है, यू से स्ट्रेट जाना है। और यहाँ से बस 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 ये देख रहे हैं ड्राइवर साहब यहाँ निकलते हुए बस में जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से हम राइट कट लेंगे और पहुँचने वाले हैं अपने स्थान राइट 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 यहाँ से राइट सीधा सीधा। ड्राइवर साहब भी हमारे यहाँ का रास्ता बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपने गाँव में लेके जाना है, तो उस गाँव में जाने के लिए हमें पता है कि रास्ता कैसे जाना है। सीधा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सीधे जाते हैं। अब हम जो है मेन रोड से आगे की ओर निकल गए, हमारे जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं। यहां से काफ़ी अंधेरा दिख रहा है, ऑटो की लाइट्स जो भी लाइट दिख रही है यहां की ओर दिख रही है। ये है महर्षि आश्रम के अंदर का जो रोड है, काफ़ी अंधेरा दिख रहा है, नहीं बहुत ही अच्छा एरिया है और यहां से सभी चीज़ का सुविधा है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज स्कूल तरह तरह की चीज़ें यहां नज़दीक में मार्केट सब कुछ है। और इन चीज़ों को देखते हुए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।